नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं, लेकिन सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने में एक बार, दो बार या फिर तीन बार फेल हो जाते हैं और उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, वो किसी नई राह की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन आपने वो चींटी के दीवार पर चढ़ने वाली कहानी सुनी होगी। दीवार से कई बार गिरने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और आखिरकार दीवार पर चढ़ ही जाती है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, कर्नल हारलैंड सैंडर्स की। वो अपने जीवन में कई बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा और आखिरकार जीवन में देर से ही सही अपने सपने को साकार किया। सैंडर्स ने जीवन में कई बार खुद का कारोबार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फेलियर ही हाथ लगी। उन्होंने 40 साल की उम्र में चिकन बेचना शुरू किया। एक रेस्तरां का उनका अपना सपना था जो कई बार संघर्षों के बाद भी नहीं चल पाया। कई बार तो उनके विरोधियों के कारण, उनके कंपटीटर्स के कारण उनका रेस्तरां ठप हो गया। फिर भी सैंडर्स ने हार नहीं मानी और हर बार नई शुरुआत की। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी देने की कोशिश की। मंजूरी से पहले उनका नुस्खा 1009 बार कैंसिल किया जा चुका था, लेकिन वो हर बार नए उत्साह के साथ नया नुस्खा लेकर आए और आखिरकार उनका एक नुस्खा केंटकी फ्राइड चिकन दुनिया भर में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, जिसे पूरी दुनिया आज KFC के नाम से जानती है। KFC का विश्व स्तर पर विस्तार हुआ और कंपनी को $2 मिलियन में बेचा गया। उनका चेहरा अभी भी KFC के ट्रेडमार्क के रूप में लगाकर उन्हें याद किया जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, जीतूंगा एक दिन, खुद से ये वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। नमस्कार।